यार ना, को बना रही हूँ चाउमीन। तो चाउमीन मैं डायरेक्टली धुल के बस ऐसे डाल देती हूँ। और ये प्याज, लहसुन और मिर्चा मैं ग्राइंड कर ली हूँ ग्राइंडर में, और ग्राइंड करके इसमें डाल दी हूँ टमाटर खड़े खड़े, और ऊपर से ऑयल डाल दी हूँ, और ये पक जाएगा। हट गई थी मैं भूल, अभी डाल दी हूँ साल्ट, और ये इसका टेस्ट बहुत ही टेस्टी हो गया है। अच्छे से बनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास छोटा सा बेबी है, तो मैं इतने अच्छे से नहीं, बस अरनों को लगी थी भूख और मेरे पास मैगी थी नहीं, तो ये थी पड़ी, तो फटाक से मैं बना दी। बच्चे को लिए लिए अगर बनाना हो और झटपट कुछ भी काम करने का मन ना करे तो फटाक से ऐसी वाली चाउमीन बन जाती है। अरे हाँ, पक गया। चल जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट, सारा सामान सारा टॉय एक जगह रख दो अपना, फटाफट फटाफट। नहीं, वो अभी वो डंडा इसमें बेड के नीचे डाल दो। हाँ, बेड के नीचे फटाफट फटाफट बंद कर दो। और ये अभी ये लगा दो, ये लगा दो अच्छे से, ये लगा। हाँ, यहाँ बिछाओ, अच्छे से बिछा दो। यस, बस बस बस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेल डन। पेपर वहाँ उठा, पेपर वहाँ रख दो, उठा के पेपर वहाँ कहाँ ले जा रहे हो? हाँ ले आओ, पेपर दो, इसी पे ले आऊँगी। उसको रख के आओ किचन में जल्दी से, फटाफट फटाफट फटाफट। को खाना है मैगी। मैगी क्या मतलब, चाउमीन। तो घर पूरा अच्छे से पूरा उठा उठा दिए, अपना टॉय वॉय सब कुछ रख दिए। अभी यहाँ टॉय बाकी है, इधर भी रखो आके, डालो उसमें सारा सारा टॉय डालो। तो मैगी खाना है तो सारा फटाफट काम हो जा रहा है इनका। चल गया, नज़र हटी, दुर्घटना घटी भाई, वो वाला हाल हो गया। थोड़ा समय उधर चली गई, लेकिन बन के हो गया रेडी। चलते हैं खाने। स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, बट बहुत ही टेस्ट में वेस्ट है, बहुत ही यम्मी बना है। मतलब कुछ भी नहीं डाला है, कुछ भी था भी नहीं घर में, बस प्याज मैंने बस प्याज लहसुन और मिर्ची को ग्राइंड कर दिया, और सिर्फ धुल के इसको बस उस पर चढ़ा दिया, और प्याज लहसुन ग्राइंड करके इसमें डाल दिए, ऑयल ऊपर से डाल दिया, और मैंने टमाटर डाल दिया। भुना भाना कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, छोटा बेबी है मेरे पास। पर डाक से मैंने कहा बन जाए ये अनु खा लें, बिल्कुल तंग कर दिए थे मुझे मैगी मैगी मैगी, तो बन गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इसके पहले का ब्लॉग जो कल का था, थोड़ा सा क्लिप बच गया था, तो मैंने कहा इसमें ऐड कर दूँ। तो ये मॉर्निंग में सबसे पहले मैं चीकू के जो भी बिस्तर हैं उनको धूप में मैं डालने के लिए चली आई। सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि सुबह सुबह सबसे पहले इनके बिस्तर को मैं लगा दूँ धूप में, उसके बाद से मैं अपने सारे काम करूँ। तो फटाफट से लगा के इनको नीचे जाऊँगी, और अब धीरे धीरे मेरे घर के पीछे जो पानी है वो भी कम हो रहा है। एक आध महीने में ये पीछे घर के रास्ते जो थे वो भी चलने लग जाएंगे। तो अभी तो देखिए पीछे मेरे घर की नील गाय आई है, इसमें इसको ब्लूबुल कहते हैं। तो ये ब्लूबुल मेरे घर के पीछे ही बहुत अक्सर करके दिख जाती है। इधर नदी है मेरे घर के थोड़े दूर आगे पे, तो इस वजह से शायद ये आती हैं इधर। तो अभी पानी पूरा भरा हुआ है, अब धीरे धीरे पानी कम भी हो रहा है। रोटी एक हाथ से बेलना पड़ रहा है, ये भी सब लटाते ही रोने लग रहे हैं। लास्ट में मेरी बस एक रोटी रह गई थी, तब तक ये जग गए थे तो लग गए रोने। तो मैंने कहा इनको लेके बस एक रोटी बस जल्दी से बना लूँ, फिर वरना लटक ही जाऊँगी एक रोटी के चक्कर में। तो बस ये रोने लग गए, बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे, बिस्तर पर रह ही नहीं रहे थे। तो इनको ले लेके मुझे एक रोटी बस वही लास्ट वाली बनानी पड़ गई जल्दी जल्दी। और किस तरह से मैं बेल रही थी आपने देखा ही, कितनी दिक्कत हो जाती है जब घर में कोई बच्चा संभालने वाला ना हो तो। और इनके पापा अभी जस्ट आ रहे हैं, जैसे ही मैंने रोटी एक हाथ से बनाया तब तक इनके पापा भी आ गए। हेलो हेलो, कुछ मैं आपको टकला होते जा रहा हूँ, मम्मा इतना ज़्यादा मुझको लिटा देती है बिस्तर पे कि मैं टकला होते जा रहा हूँ। मम्मा उनको गोदू में बहुत कम लेती है, इसीलिए अब मैं रोता हूँ, कहता हूँ नहीं गोदू में ले लो वरना टकला हो जाऊँगा मैं। तुम दुल्हन हो, दुल्हन हो तुम, दुल्हन
ए भाई दुल्हन तो गिर रही है भाई, दुल्हन गिर रही है, गिर रही है। तुम दूल्हा हो, तुम दुल्हन हो, गिर रही है दुल्हन। अरे हमको भी प्यार कर लो कोई। हम अभी तबीयत मेरा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, मेरा भी नहीं ठीक लग रहा है। तुम्हारा तो सब बढ़िया है। अभी कैनिफ्लॉन खाई हूँ, पता नहीं क्यों एकदम। ये लो ये महाराज को देखो, यहाँ पे ये सुसु ही कर देना मेरे ऊपर ही। कल सारे पर्दे वगैरह धुली थी तो आज मेरी तबीयत ही थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई मेरी, हाथ में इतना दर्द हो रहा है, यहाँ इतना पेन हो रहा है, और सर में यहाँ पे दर्द हो रहा है, और बिल्कुल वीकनेस लग रही है, और फीवर भी कुछ लग रहा है अंदर से। मन नहीं कर रहा कुछ करने का, बस सही लग रहा है कि सो जाऊँ। अकलू बाबा, अकलू बाबा, अकलू बाबा, अकलू बाबा, अकलू बाबा, जरा ढक लीजिए, अकलू बाबा, अकलू बाबा। यहाँ पे जीगू के साथ हम लोग मस्ती कर रहे हैं। ओ मेरी छुगनी भी इस पे आएगी, आएगी आएगी आएगी, या जिंदगी हर कदम। अरे छुगनी को तुम बाल चुभ ला, छ छ ज झ। आज अर्नव अपने पापा से पढ़ाई कर रहे हैं, और जितने भी इनके ट्वा हैं उनको भी अपने साथ बैठा लिए हैं, बोल रहे हैं भी पढ़ेगा। तो इनके पापा भी आज पढ़ा रहे हैं, अक्सर तो मैं ही हमेशा पढ़ाती हूँ, इनके पापा कभी नहीं जल्दी पढ़ाते हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद इनके पापा पढ़ाने में लग गए हैं इनको। मैंने इनको बोला कि हम दोनों अगर जो इनको गाइड करेंगे तभी कुछ बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, अकेले मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मेरे पास छोटा बेबी अब आ गया है, मैं अकेले अर्नव को ज़्यादा नहीं ध्यान दे पाऊँगी। मैं बहुत खुश थी, मेरे अंदर से बटरफ्लाई जो है ना ऐसे से उड़ रहा था, ऐसे से उड़ रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा अपने पति पे प्यार भी लुटाने वाली थी एक्चुअली, बहुत ज़्यादा इसलिए खुश थी, और मुझे अपने पति पे बहुत प्यार आ रहा था, क्योंकि वो अभी तक मेरे लिए कुछ लाते नहीं थे, कभी नहीं लाते थे। मैं ही अपना मार्केट करती थी, और ज़्यादा मैं उनसे मार्केट भी नहीं करवाती थी, सोचती थी वो लाएंगे तो फिर मेरा जाना आना मतलब बंद हो जाएगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा उनसे मार्केट भी नहीं करवाती थी, खुद ही लाती थी। तो अब बेबी हो गया तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैं जा भी नहीं पाती हूँ लेने कोई चीज़। तो वैसे तो लॉकडाउन था तो एक आध बार चूड़ी और बिंदी वो लिया है, उसके अलावा तो मेरे लिए कॉस्मेटिक में कभी कोई चीज़ नहीं लेके आए हैं। फर्स्ट टाइम कल मैं बोली उनसे कि मेरा बाल बहुत ज़्यादा उलझ रहा है और सारा बाल मेरा झड़ जा रहा है, कर रहा है वो, तो उनसे बोली मेरे लिए लिबॉन लेते आएगा, तो वो लेके आए थे मेरे लिए लिबॉन, और मैं कल रात में इसको लगाई। सच में लिबॉन से मेरा बाल इतना बहुत ज़्यादा उलझ रहा था, लेकिन लिबॉन से तुरंत सिल्की हो गया तुरंत, तो मैं बहुत खुश हूँ, और क्या बोलूँ। मेरा चिकलू बोलेगा, ऊ बोला था मैं, चिकलू बोलो, चिकलू बोलो, चिकलू बोलो, कहाँ से काजल लगा लिए, इधर दिखाओ सकल अपनी, चलो देखिए इधर दिखाओ, अरे भगवान रे भगवान, यहाँ आओ सामने आओ, कहाँ से काजल लगा लिए हो, हे भगवान, ये सारा त्राहिमाम त्राहिमाम, हे भगवान रे भगवान। आज सैटरडे तो मैं अपने बालों में ऑयलिंग करती हूँ, इधर कुछ दिनों से मैं छोड़ दी थी ऑयलिंग करना, तो मेरे बाल भी झड़ने लग गए थे, और झड़ने क्या लग गए थे, ऑयलिंग करना जब छोड़ दो बाल को पोषण ना मिले तो झड़ ही जाएंगे, तो इस वजह से बाल भी बहुत उलझने लग गए थे, क्योंकि मैं ऑयलिंग नहीं करती थी। तो फिर इस तरह से मैं फिर से स्टार्ट कर दी हूँ हर सैटरडे को ऑयलिंग करना बालों में, तो बालों की रूट्स में मैं लगा रही हूँ ऑयल, मैं मस्टर्ड ऑयल हमेशा लगाती हूँ, जब से मेरे को पता चला कि सारे ऑयल्स में केमिकल्स होते हैं, तो सिर्फ मैं घर का ही तेल जो मस्टर्ड ऑयल होता है वही मैं यूज़ करती हूँ। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग के यहीं पे करती हूँ एंडिंग। आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरी कामना है। प्लीज़ स्माइल।